हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपका अपने चैनल नॉन टेक टेक विथ एसएन वाई में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन। उससे मैंने 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे लगे, तो हम लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, वह तल जिस पर प्रक्षेप बनता है कहलाता है, मतलब किस प्लेन पर प्रोजेक्शन बनता है। तो उस प्लेन जहाँ पे प्रोजेक्शन हमारा बनता है उस प्लेन को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रक्षेप तल। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं, प्रक्षेप तल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर, प्रक्षेप तल। ये सभी में मत मार दीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, किस प्रक्षेप में प्रक्षेपी प्रक्षेप तल के लंबवत होते हैं, मतलब किस प्रक्षेप में प्रक्षेपी प्रक्षेप तल के लंबवत होते हैं। तो है पहला ऑप्शन सम परिमाण में, काल्पनिक, केंद्रीय, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि जो प्रक्षेपी प्रक्षेप तल के लंबवत होते हैं वो किस में होते हैं, सम परिमाण में। तो हमारा जो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, सम परिमाण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समांतर प्रक्षेप होते हैं, तो समांतर प्रक्षेप कैसे होते हैं। देखिए समांतर प्रक्षेप आपके तिर्यक भी हो सकते हैं, तंत्रिकाक्ष भी हो सकते हैं, लंबकोणी भी हो सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये सभी। एक बार देख लीजिए, समांतर प्रक्षेप जो होते हैं तिर्यक भी हो सकते हैं, लंबकोणी भी हो सकते हैं, तंत्रिकाक्ष भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से प्रक्षेप में प्रक्षेपी आपस में एक दूसरे के असमांतर होते हैं, मतलब ऐसा कौन सा प्रोजेक्शन है जिसमें वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते। ठीक है, तो वो हमारा कौन सा प्रोजेक्शन होता है, वो होता है केंद्रीय। किस प्रक्षेप में, तो केंद्रीय प्रक्षेप में एक दूसरे के असमांतर होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहाँ प्रक्षेपी आपस में समांतर तथा प्रक्षेप समतल से झुके रहते हुए प्रक्षेप होते हैं, क्या बोल रहा है कि प्रक्षेपी आपस में समांतर तथा प्रक्षेप समतल से झुके हुए रहते हैं, ठीक है, इंक्लाइंड होते हैं। उस प्रक्षेप वे हो प्रक्षेप होते हैं किस टाइप के प्रक्षेप होते हैं, वो होते हैं आपके त्रियक भी हो सकते हैं, अश्वारोही भी हो सकते हैं, छाया तथा प्रतिबिंब। तो इसका ये सभी आंसर सही होगा डी नंबर। ठीक है, देखिए आप लोग एक बार देखे रहेंगे ना तो इस टाइप के क्वेश्चन ही देखिए, जो आपका निमी पैटर्न होता है उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव ही उसी उस बुक से ही मैंने ये ऑब्जेक्टिव लिया है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि मैं कुछ भी पढ़ाया जा रहा हूँ या फिर कुछ भी जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है तब भी मैं बताया जा रहा हूँ। तो ये देखिए ये सब क्वेश्चन हैं, ये आ सकते हैं। तो देखिए क्या पूछा है, इनमें से सौन नट कौन सा है। तो सौन नट देखिए, आप अगर एक बार देखे रहेंगे तो आपको भी याद रहेगा कि हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। तो देखिए सौन नट हमारा ये सी वाला है, सौन नट हमारा सी वाला है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल्ट के चारों ओर लगाए जाने वाले पदार्थ का चयन करें। तो बोल्ट के चारों ओर कौन सा पदार्थ लगाते हैं हम, ऑप्शन है मैग्नीज, सल्फर, कंक्रीट मिश्रण, सीसा। तो हम कौन सा लगाते हैं पदार्थ, वो हम लगाते हैं कंक्रीट का मिश्रण। ठीक है, बोल्ट के चारों ओर हम क्या लगाते हैं, कंक्रीट मिश्रण। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैंसिल नट कौन सा है, कैंसिल नट, कैंसिल नट कौन सा है। तो हमारा जो इसका कैंसिल नट है ये बी है। ठीक है, अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हम पढ़े थे कि सॉन नट कौन सा है। तो सॉन नट हमारा कौन सा था, ये हमारा सॉन नट है, और इसमें कैंसल नट पूछा है तो कैंसल नट हमारा ये बी वाला है। सी वाला कौन सा है, सॉन नट है, सॉन नट। तो सॉन नट ये सी नंबर सॉन नट है, बी नंबर आपका कैंसल नट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्कंद पेंच के चार भाग को ए बी सी और डी लेवल किया गया है, इनमें से कौन सा भाग के कार्यहीन है, तो मतलब जो वर्क नहीं कर सकता वैसा कौन सा भाग है। ठीक है, तो वो है आपका ये, जो आपका ये सी पार्ट है, ये यहाँ पास का पार्ट,
ठीक है। सी पार्ट आपका कार्यहीन पार्ट है। इनमें से कौन सा भाग कार्यहीन है? तो ये सी। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेट पेंच और ग्रुप पेंच का कार्य समान होता है। पेंच को उसके सिरे से विशिष्ट किया जाता है, उनमें राउंड सिरा पेंच कौन सा है? तो इसमें जो हमारा राउंड सिरा पेंच कौन सा है, तो वो है हमारा ए नंबर का फिगर। ठीक है, राउंड सेट पेंच कौन सा है, तो ए नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए डायग्राम डायग्राम से रिलेटेड ही क्वेश्चन है हमारा। अब पूछा है साइमन नट कौन सा है? तो देखिए हमको पता है कि ये वाला हमने देख चुका है, तो साइमन नट कौन सा है? तो ये है हमारा डी नंबर इसका सही आंसर। साइमन नट का ये है डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से खांचेदार नट कौन सा है? खांचेदार नट कौन सा है? तो वो है हमारा ए नंबर। ए हमारा खांचेदार नट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मशीन के फाउंडेशन पर जकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के फाउंडेशन बेल्टों का उपयोग होता है, फाउंडेशन बोल्टों का उपयोग होता है, लेविस फाउंडेशन बोल्ट को चुनिए। तो आपका जो लेविस फाउंडेशन बोल्ट है वो है आपका ये वाला डायग्राम। ठीक है, डी नंबर, लेविस फाउंडेशन बोल्ट को चुनिए। तो ये आपको ये डी नंबर का डायग्राम आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मशीन के फाउंडेशन पर जकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के फाउंडेशन बोल्टों का उपयोग होता है, रैक बोल्ट को चुनिए। तो रैक बोल्ट देखिए हमारा ये है। ठीक है, रैक बोल्ट ये हमारा सी नंबर वाला है। ये डी नंबर वाला हमारा देखिए क्या था, ये हमारा फाउंडेशन लेविस फाउंडेशन बोल्ट, लेविस फाउंडेशन बोल्ट हमारा डी नंबर वाले डायग्राम था। ठीक है, और रैग बोल्ट है आपका सी नंबर का डायग्राम, रैग बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सामान्य बोल्ट जोड़ का को आरेखन पर दर्शाया जाता है। सामान्य बोल्ट जोड़ को आरेखन पर कैसे दर्शाया जाता है? देखिए सामान्य बोल्ट जोड़ को आरेखन पर कैसे दर्शाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा ए नंबर। ठीक है, सामान्य बोल्ट जोड़ को आरेखन पर ये कुछ क्रॉस टाइप से दिखाया जाता है। इनमें से आई बोल्ट कौन सा है, चयन कीजिए। आई बोल्ट कौन सा है? तो आपका जो आई बोल्ट है ये आपका ये है। ठीक है, आई बोल्ट आपका कुछ ये इस टाइप से है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस नट को घुमाने के लिए अधिक क्लियरेंस की आवश्यकता पड़ती है? तो हमारा ऐसा कौन सा नट है जिसको घुमाने के लिए अधिक क्लियरेंस? तो वो है स्क्वायर नट। स्क्वायर नट को घुमाने के लिए अधिक क्लियरेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी नंबर। ग्रुप पेच अंतिम बिंदु के आधार पर विनिर्देशित किए जाते हैं। इनमें से हॉप डॉग बिंदु वाला ग्रुप पेच कौन सा है? तो ये आपका है, ये आपका ये डी नंबर वाला। ठीक है, देख लीजिए डी नंबर वाला जो है हाफ ग्रुप प्रेज कौन सा है, तो ये डी नंबर का आपका जो सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये आपको 18 क्वेश्चन मैंने करा दिया है। इसी टाइप के आपको वीडियो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।